समय मध्यरात्रि के 12 बजे। स्थान चाइना। हर कोई आराम से सो रहा था कि अचानक हर तरफ चीख पुकार मच गया। देखते ही देखते 150 लोग मारे गए एवं हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चाइना में दशक के सबसे शक्तिशाली भूकंप ने कुछ ऐसा तबाही मचाया जिसका अनुमान किसी को नहीं था। 150,000 घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। पूरा का पूरा अंचल शमशान में परिवर्तित हो गया। 3 अक्टूबर 2023 यूट्यूब वीडियो अध्याय 884 में मैंने भविष्य मालिका से डिकोड करके कहा था कि चाइना में भूकंप होने वाला है, जो कि आज सच हो चुका है। परंतु अगला शिकार भारत बनने वाला है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। फेक सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहे। मेरे सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक पिंड कमेंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन एवं बायो में मिल जाएंगे। आज धरती के ऊपर जितने बदलाव हो रहे हैं, उससे कई गुना अधिक बदलाव धरती के नीचे हो रहा है। इस बदलाव को भले ही देखा नहीं जा सकता, परंतु अनुभव अवश्य किया जा सकता है। हमारे सौर्यमंडल अर्थ सोलर सिस्टम में ऐसे अनेकों ग्रह हैं जहां पर एक समय पर जीवन हुआ करता था, और आज वहां पर बंजर जमीन के अलावा और कुछ नहीं बचा। परंतु हमारा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि ना जाने कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन सालों से इस सौर्यमंडल में उपस्थित है, और यहाँ पर जीवन का अंत कभी नहीं हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे संभव हो पाया? पृथ्वी पर जीवन का अंत कभी नहीं हुआ क्योंकि हमारा खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ चुंबकीय क्षेत्र है। आपने उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव अर्थ नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल के विषय में तो सुना होगा, परंतु इनका रहस्य बहुत कम लोग ही जानते हैं। पृथ्वी का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दोनों ध्रुव अपना स्थान बदलते रहते हैं। सरल भाषा में कहूं तो आज जो उत्तरी ध्रुव है, कल वो दक्षिण बन जाएगा, फिर कुछ समय के बाद फिर से उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। यानी हमारे पोल्स समय समय पे अल्टरनेट होते रहते हैं ताकि नेचर यानी प्रकृति अपने आप को रिसाइकल कर सके। जब प्रकृति नष्ट हो जाता है, जब वायुमंडल प्राणियों के लिए जहर बन जाता है, तब पोल शिफ्टिंग का प्रोसेस आरंभ होता है। यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक युग परिवर्तन के समय ध्रुव परिवर्तन भी होता है। आज 2023 में जिस स्तर पर जितने संख्या में ज्वालामुखी फट रहे हैं, बड़े तीव्रता के भूकंप हो रहे हैं, वैसा कलयुग के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज 2023 में सूर्य से निकलने वाले सोलर फ्लेयर एवं कोरोनल मास इजेक्शंस जितने संख्या में पृथ्वी को प्रभावित कर रहे हैं, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज पृथ्वी के विर्ण अंचलों में धरती के नीचे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देते हैं। ये सभी चीजें प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, यानी आज हमारे पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं। 18 दिसंबर 2023, समय मध्य रात्रि के 12 बजे। गांसू एवं क्विंघाई प्रोविंस चाइना। हर कोई अपने घर में आराम से सो रहा था कि अचानक हर तरफ चीख पुकार मच गया। देखते ही देखते 150 लोग मारे गए एवं हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चाइना में दशक के सबसे शक्तिशाली भूकंप ने कुछ ऐसा तबाही मचाया है जिसका अनुमान किसी को नहीं था। 150,000 घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। पूरा का पूरा अंचल शमशान में बदल गया। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूकंप से भयंकर लैंडस्लाइड्स होने लगे एवं बचा कुचा विनाश उसी में हो गया। और तो और, जिस स्थान पर जिस समय पे ये भूकंप हुआ था, तब वहां का टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस था। इससे आप अनुमान लगाएं कि उस रात इस भयंकर आपदा में पीड़ित लोगों ने क्या कुछ नहीं सहा होगा। इस घटना ने 600 वर्ष पूर्व पंच सखाओं के द्वारा प्रकाशित भविष्य मालिका को पुनर्वार सत्य सिद्ध कर दिया है, क्योंकि 3 अक्टूबर 2023 यूट्यूब वीडियो अध्याय 884 में मैंने भविष्य मालिका से डिकोड करके कहा था कि इसी 23 अंक में चाइना में भूकंप होने वाला है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि विनाश अभी थम चुका है। आप दोबारा उस भविष्यवाणी को सुनिए और समझिए। 22 अंक हेले 23 अंक प्रवेश सपत ग्रह एक राशि मध्य रे मिलीबे विशेषी अर्थ 22 अंक का होगा अंत, 23 अंक का होगा आरंभ, 7 ग्रह एक राशि अवश्य होगा ऐसा परिस्थिति। 10, 11 एवं 12 फरवरी 2021 यानी 10th, 11th एंड 12th फरवरी 2021 के दिन सन यानी सूर्य, सैटर्न यानी शनि, जुपिटर यानी बृहस्पति, मून यानी चंद्र, वेनस यानी शुक्र, मरकरी यानी बुध एवं प्लूटो यानी यम, ये 7 ग्रह कैप्रिकॉन
यानी मकर राशि में एकत्रित हुए थे। यानी गुरुदेव ने इस भविष्यवाणी में 21, 22 एवं 23 अंक के विषय में ही कहा है। यदि हम इसे सनातन पंचांग के अनुसार गणना करें तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 होगा 21 अंक, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 होगा 22 अंक एवं अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 होगा 23 अंक। ग्रंथ में आगे लिखा है कि ऐशन्य जम्भु दीपमय कंपिब धरित्री निश्चय, अर्थ जम्भु द्वीप के ईशान कोण में काप उठेगा पृथ्वी उसी काल में, यानी 23 अंक में भूकंप। अब प्रश्न है कि जम्भु द्वीप किसे कहा जाता है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कुल 7 द्वीप यानी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पुष्कर द्वीप, साक द्वीप, क्रौंच द्वीप, कूश द्वीप, सलमाली द्वीप, प्लाक्ष द्वीप एवं जम्भू द्वीप। जम्भू द्वीप उसे कहा जाता है जहां पर जम्भू फल अर्थ जामुन यानी इंडियन ब्लैकबेरी के पेड़ मिलते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले जामुन के पेड़ केवल एशिया यानी जम्भू द्वीप में ही पाए जाते थे। यानी आज जो एशिया कॉन्टिनेंट है यानी एशिया महाद्वीप है, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में उसे जम्भू द्वीप कहा गया है। इसका और एक प्रमाण स्कंद पुराण में मिलता है जिसमें बार बार लिखा है कि जम्भू द्वीप भारत खंड, अर्थ जम्भू द्वीप में भारत आता है यानी वर्तमान के एशिया कॉन्टिनेंट में भारत मौजूद है। उस भविष्यवाणी के अनुसार 23 अंक में जम्भू द्वीप के ईशान कोण में बड़ा भूकंप होने वाला है। वास्तु शास्त्र में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ईशान कोण कहा जाता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं। भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के कुछ अंचल, चाइना का एक बड़ा हिस्सा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, मंगोलिया एवं रशिया के कुछ हिस्से, इन्हीं में से एक या अधिक स्थानों में 23 अंक के अंदर एक बड़ा भूकंप होने वाला है। ऐसा मैं नहीं, भविष्य मालिका के ग्रंथों में वर्णित तथ्य कह रहे हैं, परंतु उस वीडियो में मैंने व्यक्तिगत मत के अनुसार कहा था कि ये भूकंप भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र या नेपाल या चाइना में हो सकता है। आज नेपाल एवं चाइना में दो बड़े विनाशकारी भूकंप हो चुके हैं, बचा है तो केवल भारत। मैंने आपको एक और भविष्यवाणी के विषय में भी कहा था कि हिमालय क्षेत्र दोहली जीव फाटी जीव जे कलेजा कला पहाड़ जे देशरे बुलिब बजाई विविध बाजा, अर्थ हिमालय क्षेत्र दहल उठेगा फट जाएगा कलेजा काला पहाड़ देश में घूमेगा करके विविध प्रचार। कुछ समझे? क्या आप बता सकते हैं कि चाइना में हुए भूकंप का तीव्रता कितना था? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। विजेता का नाम है अजय सिंह कैंटूरा। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।